हेलो एवरीवन, और एक और नए वीडियो में, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। जैसा कि आप इंतजार कर रहे हो कि भैया सेकंड राउंड का सीट अलॉटमेंट कब आएगा, आप उसको लेके परेशान हो। तो देखो मैं आपको बताता हूँ, और आपको देखना कैसे, देखो सेम वही आपका जो है ये एप्लीकेंट लॉगिन वाले पर आपको क्लिक करके और आपको आपके इस वेबसाइट पर आ जाना है। इस पर आपके आपको अपना आईडी लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करोगे तो आपको आपको कुछ ऐसा नया इंटरफेस नजर आएगा। तो अभी देखो जिन्होंने स्टूडेंट ने इसको अपग्रेड किया तो उनको केवल ऐसा ही दिख रहा है। अभी आपका सेकेंड राउंड का सीट अलॉटमेंट नहीं आया है, और जिन स्टूडेंट को फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था तो उनको आपको आप जाके देखोगे तो आपको फर्स्ट राउंड में नॉट अलॉटेड कुछ ऐसा आपको नजर आएगा, ठीक है ना। अगर नहीं भी आता है तो आप देखो कल तक का वेट करो। आपको पता होगा ये जो आपका देखो ये है आपका काउंसलिंग ब्राउचर, तो इसमें साफ साफ लिखा हुआ था कि 3 को आज को 5 को आ जाना। लेकिन आप भी अच्छे से परिचित हो अभी तो आईसीआर से कि आईसीआर अपना टाइम में अपना काम कभी टाइम पे नहीं करता है। मैंने आपको ऑलरेडी भी पहले पहले जब वीडियोज में आपका ये भी नहीं आया तो उससे पहले बोला था कि आईसीआर भी जो आपका शेड्यूल आएगा उसमें भी टाइम से नहीं करेगा। तो मोस्ट प्रोबेबली देखो आपका कल तक आ जाएगा, तो उसके लिए आप परेशान मत रहो। आई नो अभी तो मैं पूरा दिन बिजी था, तो इस वजह से मैं अभी आपका रिप्लाई भी नहीं किया हूँ व्हाट्सएप पे, तो मैं अभी टाइम निकाल के आपको रिप्लाई भी कर दूंगा। तो देखो अभी आपको कल तक का वेट करना है, कल तक आपका आएगा। देखो जिन्होंने अपग्रेड किया था तो मोस्ट प्रोबेबली उनका जो ऊपर वाली चॉइसेस है उसको मिल जाएगी जो रैंक के अकॉर्डिंग होगी। अगर वो ऊपर वाली नहीं मिलती है तो जो आपको फर्स्ट राउंड में अलॉट हुआ था वही आपको दोबारा से शो होगा, और जिनको फर्स्ट राउंड में नहीं मिला था तो मैं उम्मीद करूंगा आपको भी कॉलेज मिल जाए। एक जो टेंशन बना हुआ है कि भैया हमको कॉलेज मिलेगा नहीं मिलेगा, वो इस बार खत्म हो जाए और आप भी एक अच्छे कॉलेज में पहुंच जाए। और देखो मैं आपको बताऊं, मेरा वाला यूनिवर्सिटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो फिजिकल रिपोर्टिंग है उसके लिए एक सेपरेट सेक्शन में दिया हुआ है नोटिस फॉर फ्रेशर स्टूडेंट, तो वहाँ पर जाके आपको अपडेट रहना है। रानी लक्ष्मीबाई का फर्स्ट राउंड का आ चुका है तो वो आपको जाके देख सकते हो, ठीक है, फिजिकल रिपोर्टिंग का। और बाकी का जिसका भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म करता रहूँगा। तो चलो इस वीडियो में इतना ही। वैसे वीडियो मैंने आपको इसलिए बनाया था क्योंकि आप बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि भैया कब आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबली देखो आज तो आने का पॉसिबिलिटीज नहीं, मे बी आ जाए बट मैक्सिमम चांसेस है कल आपका डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और जो भी डाउट होगा मैं आपको आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करते जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि अगर देखो चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आगे इस काउंसलिंग के बाद में भी देखो अगर आपको नहीं मिल पाता है तो आपको कहाँ अप्लाई करना चाहिए, कौन कौन से यूनिवर्सिटी डायरेक्ट एडमिशन लेती है। डायरेक्ट इन केस आपको समझ सकते हो जैसे कि आपका ये जो मॉपअप राउंड काम कंप्लीट हो जाएगा इसका, उसके मॉपअप के बाद में सीट वैकेंट हो जाता है, कुछ यूनिवर्सिटी खुद अपने लेवल पे काउंसलिंग कराती है तो उनके लिए आप अप्लाई करके वहाँ भी आपका चांसेस बनता है। अगर आपके बहुत ज़्यादा कम थे तो आप प्रिपरेशन करें और साथ में उनके लिए भी रखें। तो मैं आपको इसलिए बोला कि सब्सक्राइब करके रखोगे तो मिस नहीं कर पाओगे, एटलीस्ट वीडियो को आप कंप्लीट देख लिया करो जिससे आपको इन्फॉर्मेशन पता चल जाए, ठीक ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर एंड कीप स्माइलिंग एंड स्टे कनेक्टेड विद अस स्टडी एटिक।